साइनिंग इन विद द मैसेज ऑफ पीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज मोहम्मद शुजा समीर अली, आप मुझे जानते हैं सैम स्टोर के नाम से। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ है। हाँ बस कुछ लास्ट वीक मिस हो गया था, मैं ट्रैवल कर रहा था और कुछ फंक्शन अटेंड करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक अगेन सेम ऑन वेंसडे। जैसे कि हम हर हफ्ते आते हैं वेंसडे को, स्ट्रीम हमारी रहती है इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। तो हम कंटिन्यू करते हैं ये चैप्टर और ये सीरीज इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, चैप्टर 9। तो लास्ट वीक हम मिस हो गए और मैं भी एक्टिव नहीं था एक दो हफ्ते से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर वापस आ चुका हूँ मैं यूट्यूब पर आपके सामने, तो इनशाला आपसे फिर एक्टिव हो जाऊंगा मैं। माशाल्लाह जजाक अल्लाह खैरन, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनवीर भाई स्टिकी बेड स्लो मोड ऑन। श्योर 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 ब्रदर, जजाक अल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जजाक अल्लाह खैरन ब्रदर। यस ब्रदर आई एम बैक अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। ईशान वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद कलीम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पठान सलमान वालेकुम अस्सलाम। लीमू वालेकुम अस्सलाम। जजाक अल्लाह खैरन फॉर सो मच लव ब्रदर। बस लास्ट वीक में जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि मैं ट्रैवल कर रहा था और कोई फंक्शन अटेंड कर रहा था, इसी वजह से मैं आ नहीं पाया लाइव और वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाया। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक अगेन। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह सबके तो स्ट्रीम्स चल रहे थे, एक हमारी स्ट्रीम रुकी थी जैसे कि हर वेंसडे होती है। तो लेट्स कंटिन्यू अवर स्ट्रीम। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? मैं हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, जितने भी क्रिश्चियंस भाई हैं और जितने भी हमारे ह्यूमैनिटेरियन भाई है जो एक्स मुस्लिम्स कहलाते हैं अपने आप को और बोलते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो हम सब उनको इनवाइट करते हैं, प्लीज आइए और अपना केस सामने रखिए इस्लाम के सामने और हमें बताइए कि हाउ इज योर आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम। देखते हैं आपकी आइडियोलॉजी बेहतर है या हमारी आइडियोलॉजी बेहतर है। आइए जितने सनातनी भाई है, क्रिश्चियन भाई है या फिर एक्स मुस्लिम्स है जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, प्लीज कम आइए और बताइए कि हाउ इज योर आइडियोलॉजी और रिलीजन बेटर देन इस्लाम। जस्ट अ मिनट। जज़ाकअल्लाह खैरन ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट्स में प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करिए, एक दूसरे को गाली मत दीजिए, किसी को भी आप मॉक मत करिए, कोई भी कोर्ट को आप बदतमीजी मत करिए उनसे। आप हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं उनसे प्लीज रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करिए। हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, आप एक मुस्लिम चैनल पर आए हैं और मुस्लिम कमेंट्स में हैं आप, तो प्लीज बिहेव इन अ सिविलाइज्ड वे। और हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई अगर कमेंट में हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज आप भी इस स्ट्रीम का या फिर फॉर्म का डेकोरम मेंटेन करिए, आप एक दूसरे से बदतमीजी ना करें, गाली ना दें। तो हम जैसा कि हमेशा बोलते हैं कि ये हम जो स्ट्रीम स्टार्ट किए हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को जो बोलते हैं कि इस्लाम बड़ा ही बेकार मजहब है जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट नहीं करता है और बड़े बड़े चीज़ें हैं इसमें जैसे कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो वैसे लोगों को ये न्योता है, इन्विटेशन है, आइए और बताइए कि किस तरह से इस्लाम खराब है आपकी आइडियोलॉजी सामने रखकर। तो हम यहाँ पर किसी के मजहब को नीचा दिखाने के लिए ये स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्रूव करना चाहते हैं वो लोगों को कि जो इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। अगर आप वैसा समझते तो आइए आकर हमसे गुफ्तगू करिए, आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए आपकी आइडियोलॉजी पे आपको फख्र है, आइए आके हमसे डिस्कस करिए, आपकी आइडियोलॉजी पे भी आपको और फख्र हो जाएगा, इस्लाम को भी जानेंगे आप बेहतर तरीके से।
आपकी आइडियोलॉजी में दम है तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इस्लाम आपकी आइडियोलॉजी से बेहतर है तो आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिए आउट ऑफ फ्री विल, कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं है। दिल में तवक्कुल, आप दिल साफ रखकर ये स्ट्रीम पर आइए, आपको इत्मीनान होगा, आपको पीस मिलेगा। आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे दिल में पीस आएगा। तो लेट्स बिगिन, लेट्स रोल द डाइस। कुछ ही देर में मैं अभी लिंक ऑन कर रहा हूँ पब्लिक के सामने। प्लीज आप जितने भी हमारे सनातनी भाई है, क्रिश्चियन भाई है, या जो भी ज्वाइन करना चाहता है प्लीज ज्वाइन करिए। और जितने भी हमारे खवातीन ज्वाइन करेंगे, हम बड़ी ही एहतराम से बात करेंगे उनसे, चाहे वो कोई भी मजहब के हो या फिर मुस्लिम हो, कोई भी खवातीन हो। तो प्लीज आप बेझिझक आ सकते हैं, हम बड़े ही डिसिप्लिन और डिसेंसी में बात करेंगे आपसे भी। और हमारे भाइयों के लिए, जितने भी बहनें हमारे यहाँ पर है जो भी मॉडरेशन में है, जजाकल्लाहु खैरन। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए, लाइक शेयर करिए प्लीज, यही आपकी ड्यूटी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम इल्म बांटने यहाँ पर आए हैं, इल्म जितना फैला उतना अच्छा है हमारे लिए। तो आप प्लीज शेयर करिए, आपके जो भी मीडिया चैनल्स है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, स्टेटस लगा दीजिए कि लाइव चल रही है, ज्वाइन करिए, कुछ क्वेश्चंस है तो आकर क्लियर कर लीजिए, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर आपकी आईडी है वहाँ पोस्ट कर दीजिए, ट्विटर पे हैंडल पे आप पोस्ट कर दीजिए, आपके जो जो भी चैनल्स है सोशल मीडिया के वहाँ पर प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। जजाकल्लाह खैर। चलिए तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं कमेंट सेशन में पेश कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाफिज जुनैद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सैम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है भाई। आप सुनाइए, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम है, माशाल्लाह बहुत आपको बहुत दोबारा देख शुक्रिया के आपका, बहुत थैंक खुशी यू। हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। तो आप आज क्या रुकिए, आप सीन है हम भैया? कॉलर्स को लेते हैं, अगर प्लीज आप बने रहिए हमारे। जी जी बिल्कुल, इज योर लिंक रिलीजन शेयर बेटर देन कीजिए इस्लाम? दोस्तों। जी लीजिए, मैंने पब्लिक स्ट्रीम लिंक पब्लिक कर दिया है, आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं जो भी ज्वाइन करना चाहता है। लेट मी पिन इट। जी मैंने पिन कर दिया है। हमारे जितने भी सनातनी भाई है प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं वो उसमें, और हमारे जितने भी मुसलमान भाई है प्लीज आप हमारे साथ जुड़े ना। अभी अभी सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए स्ट्रीम है भाई, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना जुड़े इतना जल्दी। 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप प्लीज ज्वाइन करिए, हम आपको इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। भाई मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। फ्रैंकफर्ट भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सैम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत है सब? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपको देखकर दोबारा, जजाक अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाहु खैरन भाई। जी सैम भाई, मैं आपकी भी इजाजत। बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका। एक दो जुमले सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो अल्लाह पाक आपको सेहत तो सलामती दे, आपकी ये मेहनत कबूल फरमाए, और दूसरा मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अगरचे इंडिया में हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी तेजी से अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें आप जो हिस्सा डाल रहे हैं, आप कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करें और ज्यादा हिस्सा डालें, क्योंकि अब इनकी इंशाल्लाह, जो बुनियादें बुनियादें जो हिल चुकी हैं इनकी, तो अब चूंकि इनका रिलीजन ओपन हो गया, एक्सपोज हो गया है, सबको पता चल गया, तो मुझे ये है कि हम ज्यादा मुसलमान बना लें इसकी बजाय कि ये ज्यादा एथीस्ट बन जाएं या एग्नास्टिक बन जाएं।
तो हम ज्यादा मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, और जल्दी से जल्दी ज्यादा कन्वर्ट करवाएं जो इस्लाम को कबूल करें। नहीं तो ये तो जा रहे हैं, गिरना तो इन्होंने है ही, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि ज्यादा इस्लाम की तरफ आ जाएं। जजाक अल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर इंशाल्लाह। रफ़त भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम में ऐसा ही। सर मुझे इजाजत, मैं जा रहा हूं, बस आप करें, माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप बहुत शुरू करें। शुक्रिया आप है फैंकुर जजाक भाई, अल्लाह जजाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, बहुत अल्लाह। आमीन, अल्लाह पाक बहुत हाफिज़ शुक्रिया। फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बोले दीदा, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, आप प्लीज थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिए मेरे भाई, अभी हम थोड़े हिंदूज को चांस दे रहे हैं भाई, नॉन मुस्लिम्स को प्लीज। जज़ाकअल्लाह खैर। एसएस भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया, सुनाई दे रहा है? जी, जी, तो भाई चलिए। मेरी आवाज भाई इको हो मेरी रही आवाज है? इको हो रही है? मेरी आवाज इको हो रही है क्या? मेरी बिल्कुल नहीं हो रही। आपकी आवाज आ रही है पर आपकी मेरी आवाज इको आ हो रही रही है है पर आपके मेरी साइड इको से। हो रही है आपके साइड से। पता नहीं, मैं इंटरव्यूअर पर, मैं अंदर हूं। एक बार फिर से आप रिज्वाइन करिए मेरे भाई, मैं आपको लेता हूँ। ठीक है भाई, जी, मैं ले रहा हूं। हमारे साथ कोई मोहतरमा भी जुड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सैयदा अरबिया आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट करिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक अनम्यूट करिए प्लीज। चलिए ठीक है, आपका शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। शक्तिमान भाई कैसे हैं आप? हेलो, शक्तिमान भाई हेलो, आवाज आ रही है भाई भाई? आवाज आ रही है? ठीक, जी, और क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए क्या हाल है आपके? आपकी बस ठीक है यार। आवाज थोड़ी लो आ रही है भाई, थोड़ा जोर से। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी, बताइए सर, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हम लास्ट टाइम बात कर चुकी है ऑलरेडी। बहुत अच्छे। अच्छा जी एक चीज़ बोलता हूँ, उस पर बात करेंगे कि दुनिया का कोई भी मत पंथ मजाहिब संप्रदाय शायद चोरी करके नहीं बनाया गया, जैसे कि कुरान बनाई गई है। क्या कहेंगे? क्या बोले भाई आप? दुनिया का कोई भी मत पंथ मजाहिब संप्रदाय शायद इधर उधर से चोरी करके नहीं बनाया गया, जैसे कि कुरान बनाया गया है। मैं आपसे ये सवाल ये कर रहा हूँ, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? क्वेश्चन आपके ऊपर है मेरे भाई। क्या क्या चोरी करके बनाया गया दीन अच्छा हो सकता है क्या? हाँ तो आप प्रूफ करिए ना, वो तो आपके ऊपर है, प्रूफ करना नहीं प्रूफ करना। पहले आप अच्छा ही बताइए, बुराई हम की बात बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अच्छाई की बात कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि सनातन धर्म कैसा अच्छा है इस्लाम से? आपको लगता है कि सनातन धर्म अच्छा है, बेहतर है इस्लाम से? मैंने बताया ना, अच्छा ये है कि हाँ भाई, कम से कम उन्होंने अपने फैक्ट्स के साथ चीज़ों को बनाया है, कम से कम कुरान के जैसे इधर उधर की किस्से कहानियों को चोरी करके नहीं बनाया। अच्छा तो ठीक है, शक्तिमान, आपकी आप आपके आपके जो आपके जो आपके जो ग्रंथ है वो 100% ऑथेंटिक है, आप ये मानते हैं? मैं तो नहीं कहता, वो लोगों ने लिखे हैं, लोगों ने तो लिखे फिर हैं वो। सच्चे कैसे हो गए भाई? लोग ने लिखा है तो कहीं से कहीं ना कहीं से तो सोच के लिखे होंगे कुछ ना कुछ। ऑथेंटिक कैसा है, अच्छा कैसा है वो बताइए। आपके धर्म में ऐसी कौन से मैंने क्वालिटीज क्या है जो कहा इस्लाम में नहीं है, जो अच्छे है ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने के लिए? था? अच्छा, इस्लाम कैसे ह्यूमिनिटी को सपोर्ट करता है वो बताएं। नहीं, सवाल आपके ऊपर है भाई, आपको बताना है कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? मैंने बताया आप ना, अपना मैंने केस आपके रखिए, सामने मैं इतना अपना बड़ा केस दावा रखता किया हूं। कि कुरान,
शक्तिमान आप अपना केस रखिए, आप मैंने बताइए कहा कि ना हिंदुइज्म उन में कौन सी क्वालिटीज अच्छे हैं, फिर उसके बाद मैं इस्लाम की क्वालिटीज बताऊंगा, ठीक अच्छा है ना? तो मैंने बताया ना क्वालिटीज बता दिया मैंने कि कम से कम उन्होंने बनाया है, कम से कम अपनी तरफ से बनाया है, कुरान के जैसे चोरी करके नहीं बनाया गया। आप बात करो ना इस बात हाँ पे। तो ठीक है, अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर जो लिखा है आप उसको 100% मानते हैं? कोई नहीं मानता, किसी को नहीं बताया जाता कि इन्हें फॉलो नहीं करोगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे जन्नत मिलेगी, दोजख मिलेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप उन हिंदुइज्म कहानियों को लोगों हिंदुइज्म ने की लिखा बात है, कर रहा बस हूँ, ठीक शक्तिमान है। शक्तिमान, ओ भाई भाई, हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, हिंदुइज्म के ग्रंथ में जो जो भी लिखा है आप उसको मानते हैं संपूर्ण तरीके से? क्यों बिल्कुल नहीं, किसे कहानियां क्या मानेंगे नहीं वो, मानते? नहीं लोगों मानते की तो लिखी उसमें हुई छेद है ना, कहानियां तो छेद वो। नजर आ गया इसलिए नहीं मानते होगे आप। छेद क्या, मैंने कहा ना लोग लिखते हैं तो गलतियां करते ही करते हैं, बात खत्म। तो आपको लगता है, अब हाँ तो मैंने आपको क्या कहा लगता है कि आपसे, आपको लगता है कि सनातन धर्म में कोई अच्छी चीज नहीं है जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करती है? इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है? हाँ, कौन सी ऐसी चीजें अच्छा हैं आपको क्या हिंदुइज्म में जो लगता है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करती है? आपको आपकी अच्छा एक चीज आवाज बताएं बहुत कम आ कि रही है भाई। क्या हिंदुइज्म में किन्हीं किसी कहानियों को ना मानने पर, किसी देवी देवताओं को ना मानने पर, मंदिर न जाने पर, किसी भी तरह के जो मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी, धार्मिकता से रिलेटेड कुछ बातें न मानने पर कत्ल करने का सिस्टम है कहीं? कत्ल करने का, नहीं मानने पर कत्ल करने का सिस्टम, अगर आप हिंदुइज्म नहीं मानते हैं तो कत्ल कर देना, ऐसा कुछ बोल रहे क्या भाई? बिल्कुल है कोई सिस्टम ऐसा पोस्ट एससी का? ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने के लिए कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म में, आप मानते हैं कास्ट सिस्टम में? क्या आपके यहाँ बेहतर फिर के नहीं है? हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, आप मानते हैं कास्ट सिस्टम में? कास्ट सिस्टम को साबित करिए आप पहले तो किताबों से। हाँ, आपकी किताब में मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम बताया गया है कि चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्रह्मा और शूद्र, ब्राह्मण और शूद्र में बहुत सारे इख्तलाफात है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, इसमें एक साथ नहीं है, एक समान नहीं है क्या दोनों। अच्छा तो क्या मनुस्मृति में ये हाँ, नहीं लिखा कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है? अच्छा नहीं लिखा है भाई, नहीं लिखा है, आप बता दीजिए कहाँ लिखा है। चलें, आप गूगल करें, मैं अभी बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, हाँ हाँ बोले बताइए तो आप कहाँ मनुस्मृति लिखा को है। मैं कॉल करूंगा। हाँ ये देखिए भाई, देखो ब्राह्मण काम मनुस्मृति, की मनुस्मृति खोल लिया मैं, ब्राह्मण मनुस्मृति शूद्र चैप्टर 4 वर्स नंबर 61, इसमें लिखा है कि ही शैल नॉट ड्वेल इन अ कंट्री वेयर अ शूद्रा इज बीइंग रूल्ड एज अ किंग। क्या क्या कहिएगा। एक कहिएगा बताइए, मिनट, अब एक मानते हैं काम आप करें, ये चीज को? आपने दिखा दी ना, अब एक काम करें गूगल 10 की 65 खोलें, आप यहाँ गूगल पर बंद देखिए, करें मनुस्मृति मनुस्मृति दस चैप्टर की एट पैंसठ वर्स नंबर 272, इसमें लिखा है कि आउट ऑफ एरोगेंस इफ शूद्र टीचेस अ ब्राह्मिन हिज ड्यूटी देन द किंग शैल पोर हॉट ऑयल इनटू हिज ईयर्स एंड माउथ। क्यों ऐसा? स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये श्लोक मिलावटी श्लोक है, मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोक बहुत बाद में प्रक्षेपित किए गए हैं, मूल श्लोक मैं मिलावटी दिखाता है हूं अब तो आपको, बताइए रुके कि कैसा मिलावटी है, कहां पर कैसा मिलावट हुई इसमें, बताइए, प्रूफ करिए। यहाँ पर देखिए, मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 270, इसमें लिखा है कि इफ अ शूद्र इंसल्ट्स और अब्यूज अ ब्राह्मिन हिज टंग शुड बी चॉप्ड ऑफ, जबान काट दी जाएगी अगर इंसल्ट करेगा ब्राह्मिन को तो। और देखना है आपको मैंने मनुस्मृति स्क्रीन चैप्टर 8 वर्स नंबर मैंने टू एट स्क्रीन वन शॉट इसमें इसमें लिखा है नहीं भाई, कि मैंने इफ अ स्क्रीन शॉट शूद्र की है, स्क्रीन ऑक्यूपाइज अ ब्राह्मिन शॉट सीट हिज लाऊंगा, बटक शुड बी कट ऑफ। मैंने जो दिखाया वो दिखाओ, मैंने जो दिखाया वो दिखाओ, मैंने स्क्रीन शेयर की इसके है ऊपर बात मनुस्मृति कर की लो दस की ना पैंसठ पहले, वो दिखाओ। इसके ऊपर अरे मैं बात कह रहा हूँ करो ना श्लोक पहले, मिलावटी है, यहां तो मैं तो आपको बता अरे रहा मैं कह हूं। रहा हूँ श्लोक मिलावटी है। श्लोक मिलावटी है, कैसा मिलावटी है वो प्रूफ करिए आप। हाँ तो इसीलिए तो स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, 10 की 65 दिखाओ, पता पड़ जाएगा, चलिए पढ़ो अब ठीक है, इसको, मैं पढ़ो अच्छे स्क्रीन से, शेयर किया हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर किया हूँ, पढ़िए मिलावटी कैसा है, पढ़िए। पढ़िए, पढ़ के बताइए मिलावटी कैसा है। पढ़िए आप इसको, पढ़े अब। हाँ मिलावटी कैसा है आप पढ़िए ना। अरे आपने कहा कि शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता, श्लोक दे दिया मनुस्मृति का, अब पढ़े अब आप इसको, इंग्लिश आती है ना, पढ़े अब आप। हाँ तो पढ़ के, आप पढ़ के बताइए ना, आप पढ़िए, आपका वर्ष है तो आप पढ़िए।
सुनेंगे हम क्या लिखा है। मैंने तो बात की है ना, शूद्रो ब्राह्मणितामिति ब्राह्मणिति च शूद्रताम क्षत्रियो जातम एव तु विद्या देवेशा तथैव च। शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो हाँ सकता है, ट्रांसलेट क्षत्रिय। करिए इसको, ट्रांसलेट पढ़िए पढ़िए, इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़िए जरा आप। अटेंस द पोजिशन ऑफ ब्राह्मणा एंड ब्राह्मण थिंक्स टू द पोजिशन ऑफ शूद्र, द सेम शुड बी द अंडरस्टूड टू बी द सेम बेसिस ऑफ एग्जैक्टली द विषय। बताओ, क्षत्रिय हाँ और विषय के किस में हाँ ये हाँ हो सकता ये है? क्या है मालूम, सिंक डाउन हो रहा है, ब्राह्मण जो है ना सिंक डाउन हो रहा है। अगर इसके आगे के पीछे के अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो इसमें ये लिखा है कि अगर ब्राह्मण एक ब्राह्मण शूद्रा की सिंक डाउन लड़की से कहाँ हो शादी रहा करता है तो वो है? अरे सिंक यार, डाउन हो जाएगा, वो सिंक डाउन होगा, डाउन इसमें डिग्रेड शादी की होगा, बात ही नहीं, डिग्रेड होकर इसमें शादी जलालत की की बात ही जिंदगी नहीं है पाएगा भाई, शूद्रा बनकर। इसमें शादी की बात ही नहीं है। पिछले कहाँ गया वर्ष, है पिछले शादी? और आगे वर्ष देखो, अरे कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। इस कॉन्टेक्स्ट समय कॉन्टेक्स्ट पे देखो बात मेरे करो, भाई, आगे की और पीछे के वर्सेस। पहले इस पे बात करो, क्या बोले, इस पे बात करो इस पे पहले। ही बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है ना। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अशूद्रा अटेन्स द पोजिशन ऑफ अ ब्राह्मण एंड द ब्राह्मण सिंक्स डाउन टू द पोजिशन। सिंक्स डाउन का अरे मतलब यार, क्या है, नीचे गिर जाएगा वो, सिंक डाउन, तो मैं यही उसकी तो कह रहा हूँ पोजीशन जो कि है ना हायर पोजीशन से ब्राह्मण लोअर पोजीशन पे आएगा वो। जैसे कि एक बच्चा फेल होकर वापस 5वीं में था, 5वीं से वापस 4थी में चले गया, तो वो सिंक डाउन हो रहा है, डाउन डिग्रेड हो रहा है, वो जलालत मिल रही है उसको, लानती बोल रहा है, बोला जा रहा है कि ब्राह्मणहुड से फॉल अरे होकर तू शूद्रा बन गया है, ऐसा ऐसा कर सकता है, ऐसा यार, हो सकता है। एक आप ये मेरी प्राउड बात, आप प्राउड ये ये नहीं कर रहे प्राउड हो, चीज नहीं है मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप मेरी बात ये में प्राउड समर्थन चीज नहीं कर है रहे मेरे हो, भाई आपको ये भी नहीं मालूम कि भाई आप मेरी भाई बात का भाई समर्थन कर रहे हो, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप मेरी बात का समर्थन मैं कर रहे हो। समर्थन आपका, मैं शक्तिमान शक्तिमान मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट आपको जानना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में, और ये वर्स में भी बोल रहा है कि सिंक टू द नहीं, आप पोजीशन ऑफ शूद्रा। सिंक का क्या मतलब, अरे इस मैंने सिंक कहा टू द क्या, पोजीशन ऑफ शूद्रा का क्या मतलब। शूद्र कैन अटेंस द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण, हो सकता है कि नहीं, उसमें लिखा है नहीं, कैसे हो सकता है वो बता दें हम। तो बताइए ना, आपकी आपकी वर्स शेयर कर रहा हूँ, ब्राह्मण सिंक्स डाउन टू द पोजिशन, अशूद्र अटेन्स द पोजिशन ऑफ द ब्राह्मणा एंड द ब्राह्मणा सिंक कैसे डाउन टू द कैसे कैसे पोजिशन ऑफ शूद्रा। कैसे सिंक बोलो, सिंक स्मृति डाउन, आपको ज्यादा नॉलेज होगा शायद, आपको ज्यादा नॉलेज होगा शायद, अरे भाई आप तो बताइए ना। आपकी मनुस्मृति है, मेरा दीदी। अच्छा ये एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ये कौन सा वर्स है भाई। ये 10 की 65 है, 10वां चैप्टर वर्स नंबर 65। 1065 है, 1060, 1060 से पढ़ेंगे, 1060 से पढ़ेंगे, ठीक बिल्कुल खोलो बुक, खोलो बुक। है ठीक है, आप खोल लीजिए, आप शेयर करिए, बताता हूं मैं आपको। मैं क्यों करूं भाई, बांटते हाँ तो हो मैं आपको पर सिखाता हूँ, सीख लीजिए। अच्छा ठीक है, सीख लीजिए सीख लीजिए, 1060 वर्सेस आप खोल के देख लीजिए। 1060 वर्स में लिखा है कि इवन वन इवन वन वन ऑफ द बॉर्न ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिली, इफ देर इज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द रिगार्डिंग इस परसेंटेज, ही श्योरली इम्ब्यूबियस द इम्ब्यूबियस टू द ट्राइड एंड देयर फॉर अ ग्रेट एंड द लेस एक्सटेंडेड। 61 पढ़ते हैं, दैट किंगडम इन विच सच कास्ट डिफाइलर आर बॉर्न ऑफ क्रिमिनल इंटरकोर्स ए स्पीडली पेरिशेबल अलॉन्ग विद द पीपल। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कास्ट की बात हो रही है। 62 पढ़ते हैं, एक मिनट रुकूंगा, रुको रुको, यही रुक जाओ, फॉर यही अलाइन रुक जाओ, पर्पस, अरे रुकना यार, नहीं सुनो, कंटिन्यू करना है ना, ब्राह्मण पूरा की पढ़ना है, सुनो 65 तक पढ़ना है, यार, कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम इसका, इसका कॉन्टेक्स पढ़े तो समीर पता बात सुनो, चलेगा। समीर फॉर बात अलायंस सुनो, परफेक्शन, समीर बात सुनो, समीर बात सुनो, गिविंग अप द ये बॉडी ऑफ ब्राह्मण द गिविंग की गिविंग अप द बॉडी फॉर द सेक ऑफ वर्ण है या ब्राह्मणा, द जाति, ये काउ इज डिफाइंड एज द वर्ण वुमेन है या एंड द जाति, चिल्ड्रन। पहले ये बताओ ये वर्ण है रुको या रुको रुको, जाति। आता है आता है आता है, आपको समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर 63 वर्स क्या बोलता है, सुनिए। 63 वर्स, एब्सेंटेंस फ्रॉम द इंजुरी ट्रूथफुलनेस, एब्सेंटेंस फ्रॉम द अनलॉफुल अप्रोप्रिएशन, प्यूरिटी एंड कंट्रोल ऑफ द सेंसेस ऑर्गन्स, दिस मनु हैज डिक्लेयर्ड टू बी द सम ऑफ द सब्सटेंशियस ड्यूटी फॉर द फोर कास्ट। चार कास्ट की ड्यूटी बताई जा रही है, यहाँ से शुरू है वो मसला। ड्यूटी क्या देखो, क्या है, इफ वो ड्यूटी अ क्या क्या है चाइल्ड दोबारा बॉर्न, बोलो, सुनिए सुनिए, अरे अभी सुनो अभी यार, मसला शुरू वो होता है यहाँ, ड्यूटी सुनिए क्या अभी। क्या दोबारा बोलो, वो ड्यूटी क्या क्या दोबारा सिक्सटी बोलो। फोर अरे सिक्सटी फोर पढ़िए, सिक्सटी फोर सिक्सटी यार फोर पढ़िए, सुनिए समीर, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। बोलो बोलो, हाँ सिक्स नहीं हाँ जो 64 मैंने पढ़ी है, यहाँ से ड्यूटी सुना, बता रहे हैं, रुको यार चार समीर, कास्ट की ड्यूटी। शक्तिमान सुनो, शक्तिमान सुनो, मैं आपकी आपकी बुक पढ़ रहा हूँ, हैव रेस्पेक्ट फॉर योर स्क्रिप्चर। 64 वर्स वर्स नंबर 64 में लिखा है कि इफ अ चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ शूद्रा वुमेन टू द ब्राह्मण गोज ऑन बीइंग वेडेड ऑफ द सुपीरियर पर्सन, द इंफीरियर अटेन द सुपीरियर कास्ट विद इन द सेवेंथ जनरेशन।
क्या समझे इसे, आगे पढ़ता हूँ, आगे देखिए क्या होता है। अशूद्र अरे रुको अटेंस द अगेन, पोजिशन ऑफ द रुको ब्राह्मण एंड द अगेन, ब्राह्मण सिंक्स डाउन टू द पोजिशन ऑफ द शूद्र। लेट मी रीड इट। द सेम शुड बी अंडरस्टूड बाय द कास्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड द शूद्र और ऑफ द वैश्या। तो यहां पर बता रहा है कि कॉमेंट्री में, मेधातिथि की कॉमेंट्री में बता रहा है कि ब्राह्मण सिंक्स टू द पोजिशन ऑफ द शूद्र, विच मीन्स द ब्राह्मण हियर मीन्स शुड बी अंडरस्टूड टू द ब्राह्मण हुड बॉर्न प्रशास्त्र। इफ ही मैरिज अ शूद्रा गर्ल, देखो यहाँ मैरिज की बात है, आप बोले कि मैरिज की बात नहीं हो रही है मेरा ना, यही अरे वर्स में रुको ना, मेधातिथि की कॉमेंट्री में बताया जा रहा है। मेधातिथि कॉमेंट्री इफ में ही बताया मैरिज अ कि शूद्रा गर्ल ऑफ अ नेचर डिस्क्राइब बिलो, ही सिंक्स डाउन टू द कॉमन लोअर लेवल, ही सिंक्स डाउन टू द लोअर लेवल। यार, मेधातिथि की अब कॉमेंट्री, जो कॉमेंट्री आप छुपा दिए, मेरा कॉमेंट्री आप छुपा दिए, मैं कॉमेंट्री पढ़ के ही बता रहा हूँ। यहाँ ये पर बात बोल रहे हैं कि कॉलिंग इफ, है क्या? मुझे कॉलिंग नहीं शक्तिमान लगानी सुनना है, चाह मेरे रहे हैं, को मुझे शक्तिमान कॉलिंग सुनो, नहीं, नहीं सुनाओगे क्या? बोलने मैं भी तो पढ़ दो। रहा हूं आपका स्क्रिप्चर, आपका स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूं, वेट फॉर अ आप 10 सेकेंड। की 63 पे आओ, आप 10 की 63 पे पीछे इफ आओ पहले। अरे ब्राह्मण मैरिज, यहां पर ही मेरे 64 आप 34 जो की वर्स 63 बता पे रहे आओ हैं। ना, 10 की ओ 10 की भाई, 60 से शुरू किया था ना, 10 की 60। ओ भाई, ओ भाई, 10 की 60, 10 की 70, ये ना करें ना। आप बोले कि 64 पढ़कर बताओ, ये वर्स पे बात करेंगे तो मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ ये वर्स पढ़ रहा हूँ। ये वर्स में कॉमेंट्री में बताया जा रहा है कि इफ ही ब्राह्मण मैरिज अ शूद्रा गर्ल फॉर अ नेचर डिस्क्राइब्स अबव, ही सिंक्स डाउन टू द लोअर लेवल टू द थर्ड जेनरेशन। दिस इज हाउ दिस एक्सप्लेन। तो ये सिंक डाउन हो रहा है लोअर लेवल पर, कौन, ब्राह्मण, अपना ब्राह्मणहुड खोकर शूद्रा की लेवल पर गिर जा रहा है, नीची जात पर गिर जा रहा है। तो ये कुछ इक्वालिटी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिंक डाउन बता रहा है, डिग्रेशन बता रहा है यहाँ पर। समझ में आ रही है आपको बात? यही आपकी वर्स ना आपके मुंह पर पड़ गई है, अभी आप आकर बोलिए क्या बोलना है। अच्छा, आपने ये साबित कर दिया कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, अब आप ये बताएं कि शूद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है? यही वर्स पढ़ा ना, वर्स में वही लिखा है, जब एक ब्राह्मण शूद्रा की लड़की से शादी करता है तो वो शूद्रा गर्ल जो है ना एक ब्राह्मण का पोजीशन एक्वायर कर लेती है, और जो ब्राह्मण जो रहता है ना टॉप क्लास पे, वो लोअर क्लास पे आ जाता है सिंक डाउन होकर। अरे यही यार, तो बताया जा रहा है वर्स में, आपकी वर्स कॉमेंट्री में वही बताया जा रहा है। ये कोई इक्वालिटी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये बात हो गई पूरी, डिग्रेशन बता रहा है। बोलो एक बच्चा जैसे कि बोलने पांचवी दो में ना, था, फेल होकर वापस मुझे बोलने चौथी में चले दो गया। ना, मुझे बोलने दोगे या नहीं ये बताओ पहले। आप सवाल किए तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ अरे बोलने दोगे कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो। अभी बोलो, हाँ अभी बोलो। अच्छा, आपने 10 की 60 से शुरू किया, मुझे इतना जवाब दें, क्या उसमें 10 से 60 से लेकर के 65 तक कहीं कभी शादी का जिक्र आया है क्या? ये बताएं, 64 का एक श्लोक जो है वो बीच में डाला गया है, इसे प्रक्षेपित श्लोक कौन बोलते हैं, जो बाद में मिलाया गया है, बाद में मिलाया गया भाई? है, अच्छा प्रक्षेपण अभी बोलते हैं। अभी अभी, हाँ ठीक है, अभी आते हैं। आप बोले कि मिलावटी श्लोक है, कैसा मिलावटी है वो प्रूफ करिए। अच्छा, साबित करूं, हाँ साबित करिए बता मिलावटी दूं, कैसा है। हाँ साबित करिए, बस 1 मिनट रुके, जो मैं आपको श्लोक चलो बताया तो था ना वो मैं मिलावटी श्लोक है आप बोले ना, साबित करिए अभी। हाँ करूंगा, रुको करूंगा, रुको, शांत नहीं रखो। जी, करिए करिए। पहली बात तो ये है कि आपने 10 से 65 शादी का जिक्र नहीं, पर भी 62 में 63 में नहीं, मैंने आपको क्या पूछा था? 65 शक्तिमान, बताया शक्तिमान, है। शक्तिमान, शक्तिमान, अरे सुनिए, मैंने आपको क्या सवाल किया? मैंने आपको बोला है कि ये जो श्लोक है सामने आपके स्क्रीन पर, वो मिलावटी कैसा है वो बताइए। शक्तिमान आवाज आ रही है? हाँ अरे रुकोगे भी सरी, जी बोलिए। ये जो श्लोक है मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 281, ये मिलावटी कैसा है वो बताइए। बस अभी 1 मिनट, बस ओपन करो। ठीक है, ठीक है, आप खोजते रहिए, हम दूसरे कॉलर को लेते हैं जब तक, ठीक है, आपको जी देता हूं मिलावट मैं। करने में टाइम तो लगेगा ना उनको। जी, बिल्कुल, मिलावट करने में थोड़ा टाइम ही लगेगा, करने दीजिए उनको, क्या मिलावट करते हैं, मिलावटी बिल्कुल श्लोक को और ऐसे ही, मिलावट करके और कितना मिलावटी बनाते हैं हम भी देखेंगे।
चलें एक तरह से ये तो मान लिया ना उसने कि